बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 11 कल्चर की। ये कल्चर आपने 9 और 10 चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम कल्चर की कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सब कल्चर्स की बात करेंगे और कल्चर्स में तब्दीली क्या आती है और क्यों आती है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्चर बाय सोशल क्लास। कल्चर सोशल क्लास की वजह से बहुत डाइवर्स है, बहुत फैला हुआ है। आमतौर पर हम कल्चर का मतलब समझते हैं कि कल्चर का मतलब है आर्ट्स, जैसे क्लासिकल लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग। और आमतौर पर लोग जो थिएटर में जाते हैं वो उसको कल्चर्ड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी के को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया होता है। बिल्कुल इसी तरह से कई लोगों के लिए कल्चर के कोई मतलब नहीं होते, कोई मानी नहीं होते, कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों को कुछ सोशल क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखकर, उनकी सोच को देखकर, एटीट्यूड को देखकर, वैल्यूज़ को देखकर। तो और लिहाजा उनकी इन चीज़ों को देखने के लिए हमें उनकी इनकम देखनी पड़ेगी, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर, उनकी एजुकेशन, रिलीजन, इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आमतौर पर हम तीन तरह के कल्चर्स बनाते हैं। हाई कल्चर, जहाँ पर लाइट रहते हैं, बहुत अमीर लोग मिलकर बनाते हैं। पॉपुलर कल्चर होता है, जो पॉपुलेशन के ज़्यादातर लोग जिसको फॉलो करते हैं। और कल्चर ऑफ पॉवर्टी होता है, जहाँ पर गरीब लोग जिस कल्चर को शेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सब कल्चर। सब कल्चर किसी भी सोसाइटी की पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट एक सब कल्चर है, बिजनेस एक सब कल्चर है। मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब है एक ही सोसाइटी में बहुत से कल्चर्स को, बहुत से कल्चरल ट्रेडिशंस को एक साथ प्रमोट करना। जैसे कनाडा की गवर्नमेंट इस पॉलिसी पर अमल पैरा है, मल्टी कल्चरलिज्म की। काउंटर कल्चर, ये एक कल्चर के अंदर ही सब कल्चर होता है जो कल्चर के ख़िलाफ़ होता है। जैसे हिप्पीज पहनना, ड्रग्स यूज़ करना हमारे कल्चर के का हिस्सा है, लेकिन कल्चर के ख़िलाफ़ है। कल्चरल चेंज, वक्त के साथ साथ कल्चर में आने वाली तब्दीली के अमल को हम कल्चरल चेंज कहते हैं। जैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन जाती है, अलग रहना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान में, ये कल्चरल चेंज है। कल्चरल लैग, जहाँ कल्चरल चेंजिंग आती है वहाँ पर कुछ ऐसे जगह भी रह जाती है जहाँ पर जो कल्चरल चेंज जहाँ पर नहीं आती, उस रेट के इतनी तेज़ी से नहीं आती। यानी कुछ जगहों पर बहुत तेज़ी से चेंजिंग आती है, कुछ जगहों पर तेज़ी से चेंजिंग नहीं आती। ये जो दोनों चेंजिंग में डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को विलियम एफ ऑकबर्न ने गैप कहा है, कल्चरल लैग कहा है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, पाकिस्तान की सोसाइटी में ऑटोमोबाइल्स बड़े अच्छे अच्छे निकल आए, लोगों ने निकाल लिए, लेकिन रोड्स जो है वो उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की जितनी तेज़ी से ऑटोमोबाइल्स ने तरक्की कर ली है। इसी तरह से ट्रैफिक सेंस ने भी उतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की। तो हमारे पास यहाँ पर एक गैप नज़र आ रहा है, जिसको हम कल्चरल लैग कहेंगे। कल्चरल लैग की वजह क्या है? पहली वजह है इन्वेंशंस। जब कोई नई चीज़ें आती है तो फिर नए लॉज आते हैं, उनको इस्तेमाल करने के नए तरीके, उनको उनके लिए हमें नई फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, तो फिर एक कल्चर में चेंजिंग आ सकती है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा जब पहिया बन चुका है, अब तो हम दोबारा पहिया तो नहीं बनाएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, उसको बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। डिस्कवरी, अगर कोई नई चीज़ हम दरियाफ्त कर लें तो भी कल्चर में तब्दीली आ सकती है। डिफ्यूजन ये कि अगर हम किसी और कल्चर से कुछ चीज़ बोरो कर ले, अपने कल्चर में ले आए, तो अब भी तब्दीली आएगी। तो आमतौर पर पुराने ज़माने में लोग आपस में फिज़िकल कांटेक्ट करते थे, मिलते थे, तब जाकर कल्चर में तब्दीली आती थी। लेकिन आजकल कल्चर को बोरो करना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, और सोशल मीडिया ने इसको और भी आसान कर दिया है। ये टर्म्स सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपके पेपर के हवाले से, इथ्नोसेंट्रिज्म। इथ्नोसेंट्रिज्म ये होता है कि आप अपने कल्चर को बाकी सब कल्चर से सबसे अच्छा समझें, ठीक है, और दूसरों को भी अपने कल्चर के मुताबिक ही जज करें। दूसरी टर्म है ज़ीनोसेंट्रिज्म। इसमें आप दूसरे के कल्चर को भी उतनी ही अहमियत देते हैं जितने अपने कल्चर को अहमियत देते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि आप कल्चर को जज करें, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। यानी किसी एक ग्रुप के लिए ठीक है और दूसरे ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। यानी एक ही प्रैक्टिस है, एक ही सोसाइटी में है, लेकिन एक बंदा कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ये होती कल्चरल रिलेटिविज्म। अब ग्लोबल कल्चर, एक ग्लोबल कल्चर आजकल आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। अब आप लोग देखे, लोग ने जीन्स पहनी हुई है, सिर्फ ये इंग्लिश ब्रिटिश कपड़े,
ठीक है, या फ्रेंच लिबास जो है वो पूरी दुनिया में पहना जा रहा है, एक जैसे लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सब चीज़, और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस यूज़ होना शुरू हो गई है, तो ये दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है और एक ग्लोबल कल्चर आ चुका है। ये तीन वजह हो सकती है। पहली वजह है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी जो फ्लो ऑफ गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स दुनिया में फैल गए हैं, ये एक वजह हो सकती है लिंक करने की सबको। ग्लोबल कम्युनिकेशन, लोग जो है वो इंग्लिश बोलना शुरू कर गया है, इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ग्लोबल माइग्रेशन, लोग जो है वो एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल कल्चर बन गया है। ये जो ग्लोबल लिंक्स हमने पढ़े हैं, ये वर्ल्ड बना रहे हैं, एक कल्चर बना रहे हैं इसकी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। यानी ग्लोबल फ्लो तो हो रहा है, गुड्स का तो फ्लो हो रहा है ग्लोबली, लेकिन अनइवन है, किसी मुल्क में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किसी मुल्क में कम फ्लो हो रहा है। इसी तरह से ग्लोबल कल्चर थीसिस ये समझती है कि शायद लोग हर जगह पर हमारे चीज़ों को अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा लोग जो है वो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ मानी लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक कंट्री में हिजाब अगर लड़की ने पहना हुआ है तो इसको हम अच्छे मानी देंगे, लेकिन कई ऐसे ममालिक है जहाँ पर वो पहना होगा तो शायद उसको ऑपरेशन समझेंगे और अच्छा नहीं समझेंगे। कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम, कल्चर हमें और ह्यूमन फ्रीडम का क्या ताल्लुक है? कल्चर कभी कभार हमें फ्रीडम भी देता है कुछ चीज़ों में, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें मौका देता है हम बात करें, और कई जगहों पर वो हमें रोकता भी है, हमें कैदी बना देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो जो भी है, कल्चर अच्छा है या बुरा है, हम कल्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज़ व नासिर।